सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम करने वाले हैं रियलमी वर्सेस वीवो के बीच में डिटेल में कंपैरिजन, जो कि है रियलमी P1 Pro 5G वर्सेस वीवो T3 5G। क्योंकि दोस्तों दोनों भी स्मार्टफोन अंडर 20,000 के कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट एंड काफी पावरफुल डिवाइसेस है, ऐसे में काफी सारे लोग यार कंफ्यूज हैं। तो चलिए दोस्तों साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि कैमरा टेस्ट, डिस्प्ले टेस्ट, स्पीड टेस्ट एवं दोस्तों परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी करेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पे रैम मैनेजमेंट को भी चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है 2024 के सबसे बेस्ट मिड रेंज कैटेगरी के स्मार्टफोन Realme P1 Pro 5G एंड Vivo T3 5G। तो चलिए दोनों भी फोन के बीच में डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कैमरा से। सो Realme एंड Vivo दोनों भी फोन में 50 मेगापिक्सल का OIS का कैमरा मिल जाता है एंड Realme के फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है। वैसे Vivo के फोन में 2 मेगापिक्सल का बोके लेंस एंड का फ्लिकर लेंस मिल जाती है। एंड सेंसर के बारे में बात करेंगे तो Realme के फोन में Sony LYD 600 का सेंसर मिल जाता है एंड Vivo के फोन में Sony IMX882 का सेंसर मिल जाता है। सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे, वैसे दोनों भी फोन में 16 मेगापिक्सल का AI सुपर सेल्फी कैमरा मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों सेल्फी कैमरा के बारे में बात करेंगे तो मुझे जो सेल्फी कैमरा है Realme का थोड़ा सा बेटर लगा है, क्योंकि दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट यहाँ पे Realme के फोन में काफी बेटर देखने को मिल जाते हैं। स्किन का जो टोन है दोनों भी फोन में काफी बेटर एंड ब्राइट टोन देखने को मिल जाता है। जो शेडोज है, डिटेलिंग्स एंड जो भी हाइलाइट्स है दोनों भी फोन में काफी बेटर निकल के आ जाती है। एंड दोस्तों Vivo के फोन में 2x जूम पोर्ट्रेट का सपोर्ट मिल जाता है, जिसके वजह से थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, जो सैंपल से काफी बेटर निकल के आ जाते हैं। ब्राइट टोन के बारे में बात करेंगे तो Realme के फोन में काफी बेटर एंड ब्राइट टोन देखने को मिल जाता है। वैसे कलर एक्यूरेसी दोनों भी फोन में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। वैसे Realme के फोन में थोड़े से एनहांस कलर देखने को मिल जाता है। डायनेमिक रेंज के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी फोन में काफी बढ़िया एंड बेटर डायनेमिक रेंज देखने को मिल जाती है। वैसे OIS के वजह से दोनों भी फोन में लो लाइट कंडीशन में काफी बेटर फोटोग्राफ देखने को मिल जाते हैं एंड जो पिक्सल क्वालिटी है वो भी दोनों भी फोन में काफी बेटर निकल के आ जाती है। एंड इसके बाद दोस्तों वीडियोग्राफी के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी फोन में 4K at 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। वैसे दोनों भी स्मार्टफोन में वीडियो स्टेबिलाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है। दोनों भी फोन के वीडियो क्वालिटी कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मुझे थोड़ा बहुत बेटर यहाँ पे Realme का फोन का जो वीडियोग्राफी है वो थोड़ा सा बेटर लगा है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे दोनों भी स्मार्टफोन की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। वैसे दोनों भी स्मार्टफोन में 2D पॉली कार्बोनेट का बैक पैनल देखने को मिल जाता है, वो भी प्रीमियम मैट फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे जो डिजाइन है Realme के फोन में थोड़ा सा ब्रश टाइप का डिजाइन देखने को मिल जाता है एंड Vivo के फोन में यहाँ पे थोड़ा सा डायमंड कट एज डिजाइन में क्रिस्टल इफेक्ट देखने को मिल जाता है। वैसे डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो ये टोटली आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड है, आपको कौन सा फोन का डिजाइन सबसे अच्छा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वैसे साइड की फ्रेम के बारे में बात करेंगे तो Realme P1 Pro डिवाइस में कर्व डिजाइन देखने को मिल जाता है एंड Vivo T3 5G डिवाइस में फ्लैट एजेस, मतलब कि बॉक्सी टाइप का डिजाइन देखने को मिल जाता है। एंड राइट साइड के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में वॉल्यूम रॉकर कीज है, पावर बटन मिल जाता है एंड थैंकफुली दोनों भी स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी फीचर मिल जाता है। एंड इसके अलावा दोस्तों बॉटम साइड के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में प्राइमरी स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, USB टाइप से चार्जिंग पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है एंड हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे मिल जाता है। वैसे टॉप साइड के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिल जाता है, सेकेंडरी स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। वैसे Vivo का जो स्पीकर है अंदर यहाँ पे इनबिल्ट ईयरपीस के अंदर फिट किया है। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे दोनों भी स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। वैसे Realme P1 Pro 5G डिवाइस में अल्ट्रा विजन कर्व डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि OLED पैनल के साथ मिल जाता है। वैसे Vivo T3 डिवाइस में फ्लैट डिस्प्ले, जो कि AMOLED पैनल के साथ मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों रिफ्रेश रेट के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज का स्मूथ अडेप्टिव रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। एंड इसके अलावा दोस्तों दोनों भी फोन में वाइड वाइन एलोन का सपोर्ट मिल जाता है, सो Amazon Prime Netflix के जो कंटेंट है फुल HD प्लस में वॉच कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों YouTube HDR क्वालिटी सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी फोन में 4K at HDR का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि 2160 पिक्सल में दोनों भी फोन में YouTube की वीडियोस प्ले कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, वैसे दोनों भी स्मार्टफोन में यार काफी जबरदस्त एंड ब्रिलियंट क्वालिटी का डिस्प्ले मिल जाता है, क्योंकि वैसे भी दोनों भी स्मार्टफोन में प्रो AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, क्योंकि जो कलर्स है काफी जबरदस्त आपको वाइब्रेंट कलर देखने को मिल जाते हैं, एनहांस टाइप के बूस्टेड पंची टाइप के कलर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों दोनों भी फोन में HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है,
लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे दरअसल यहाँ पे जो प्रीमियम डिस्प्ले है Realme P1 Pro डिवाइस का देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कर्व डिस्प्ले मिल जाता है। सो अंडर 20 के सेगमेंट में अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद आता है तो आपके लिए Realme P1 Pro 5G डिवाइस का डिस्प्ले काफी बेटर चॉइस है। लेकिन दोस्तों फिर भी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है दोनों भी फोन में काफी बेटर एंड जबरदस्त देखने को मिल जाती है। सो इक्वल डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिली है। एंड इसके बाद दोस्तों दोनों भी स्मार्टफोन के पावर के बारे में बात करेंगे तो Realme की फोन में Snapdragon 6 Gen 1 का प्रोसेसर मिल जाता है एंड Vivo के फोन में Dimensity 7200 का प्रोसेसर मिल जाता है। वैसे एंटीटू बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करेंगे तो Realme की फोन में 600,000 से भी ज्यादा स्कोर देखने को मिल जाता है एंड Vivo के फोन में 700,000 से भी ज्यादा स्कोर देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों BGMI गेमिंग ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे तो Realme की फोन में स्मूथ से लेकर बैलेंस HDR तक कॉन्स्टेंटली 60 FPS मतलब की एक्सट्रीम ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है, प्लस अल्ट्रा HD मतलब की 4K स्क्रीन का भी सपोर्ट मिल जाता है। बट Vivo T3 डेस में स्मूथ में एक्सट्रीम ग्राफिक्स एंड मैक्स HD अल्ट्रा ग्राफिक्स का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे गेम प्ले के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी फोन में काफी बेटर एंड स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल जाता है। कोई भी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स एंड जो लैगिंग इश्यूज है दोनों में भी फोन में देखने को नहीं मिलेगा। एंड सबसे खास बात यह है कि दोनों भी फोन में जो जायरोस्कोप मिल जाता है काफी ज्यादा एक्टिव एंड स्टेबल देखने को मिल जाता है। सो दोनों भी फोन काफी बेटर परफॉर्मेंस के लिए साबित हो चुके हैं। वैसे दोनों भी फोन में काफी बेटर चैंपियन टाइप की गेमिंग कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे दोनों भी स्मार्टफोन के बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करेंगे तो लगभग दोनों भी स्मार्टफोन में 5000mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है, सेम 44 एंड 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बहुत हो गया फिजिकल कंपैरिजन, अब दोस्तों एक्चुअल में दोनों भी स्मार्टफोन के बीच में फाइट लगाने वाले हैं, मतलब कि स्पीड टेस्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्पीड टेस्टिंग का सेटअप यहाँ पे रेडी हो चुका है एंड स्पीड टेस्टिंग की शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिबूट टेस्टिंग से। तो हम क्या करेंगे, दोनों भी फोन को सेम टाइमिंग पे रिबूट करेंगे एंड देखते हैं कि कौन सा फोन सबसे पहले फास्टर यहाँ पे रिबूट हो जाता है। तो चलिए रिबूट करेंगे एंड देखते हैं कौन सा फोन सबसे पहले रिबूट हो जाता है। सो यहाँ पे सबसे पहले बूटअप लोगो Realme का आ चुका था एंड उसके बाद यहाँ पे Vivo T3 का लोगो आ चुका था एंड यहाँ पे जो बूट एनिमेशन है सबसे पहले Realme P1 Pro DS में आ चुका है। वैसे फाइनल यहाँ पे सक्सेसफुली रिबूट हो चुका है Realme P1 Pro 5G एंड उसके बाद काफी समय के बाद Vivo T3 5G DS भी रिबूट हो चुका है। सो रिबूट के टेस्टिंग में सबसे पहले बाजी मार ली है Realme P1 Pro 5G डिवाइस ने। चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों भी स्मार्टफोन में एक वीडियो रेंडर करके देखते हैं, मतलब कि वीडियो को एक्सपोर्ट करके देखते हैं। तो दोनों भी फोन में मैंने सेम टू सेम काइनेमास्टर का वर्जन इंस्टॉल करके रखा है। वैसे दोनों भी फोन में सेम टू सेम यहाँ पे वीडियो का लेंस सेट करके रखा है एंड वीडियो आउटपुट रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी फोन में 4K at 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए दोनों भी फोन में सेम टू सेम यहाँ पे रेजोल्यूशन को सेट करेंगे एंड वीडियो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो हम क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि वैसे भी एक्सपोर्ट होने में टाइम लगता है। तो चलिए फाइनल रिजल्ट देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले Vivo T3 5G DS में वीडियो एक्सपोर्ट हो गया था एंड उसके बाद क्विकली Realme P1 Pro 5G DS में भी वीडियो एक्सपोर्ट हो गया था। ज्यादा कुछ खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे 19-20 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सो वीडियो रेंडरिंग वीडियो एडिटिंग करने के लिए दोनों भी स्मार्टफोन काफी बेटर डिवाइसेस है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों भी फोन में एप्लीकेशन लॉन्चिंग स्पीड को टेस्ट करेंगे। वैसे दोनों भी स्मार्टफोन में मैंने सेम टू सेम यहाँ पे वाईफाई का इंटरनेट कनेक्शन सेट करके रखा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से फोन में सबसे क्विकली एंड फास्ट एप्लीकेशन लॉन्च हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे गैलरी एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे जो गैलरी ऐप है Vivo T3 5G DS में सबसे पहले ओपन हो गया था एंड इसके बाद ट्राई करेंगे थीमस्टर। वैसे थीमस्टर का जो ऐप है Realme P1 Pro 5G DS में काफी क्विकली लॉन्च हो गया था एंड इसके बाद ट्राई करेंगे इंस्टाग्राम। वैसे इंस्टाग्राम दोनों भी फोन में काफी क्विकली लॉन्च हो गया था एंड इसके बाद ट्राई करेंगे फेसबुक। वैसे फेसबुक दोनों भी फोन में काफी क्विकली लॉन्च हो गया है एंड इसके बाद ट्राई करेंगे ट्विटर। वैसे Realme के फोन में ट्विटर काफी क्विकली लॉन्च हो गया है एंड इसके बाद ट्राई करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार। वैसे डिज्नी का जो ऐप है दोनों भी फोन में काफी क्विकली लॉन्च हो गया था एंड फ्लिपकार्ट के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा लिटिल बिट Realme के फोन में क्विकली लॉन्च हो गया था एंड इसके बाद ट्राई करेंगे Amazon। वैसे Amazon का जो ऐप है Realme P1 Pro 5G DS में लॉन्च हो गया है एंड इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे एक छोटा सा ब्राउजर। वैसे जो ब्राउजर है दोनों भी फोन में काफी क्विकली लॉन्च हो गया है। YouTube के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा लिटिल बिट फास्टर यहाँ पे Realme के फोन में ओपन हो चुका है एंड प्ले स्टोर के बारे में बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट Realme के फोन में प्ले स्टोर ओपन हो चुका है एंड इसके बाद ट्राई करेंगे एक छोटा सा गेम जो कि है हिल क्लाइंब रेसिंग। तो चलिए देखते हैं कि कौन से फोन में गेम सबसे पहले लॉन्च हो जाता है। सो अगेन यहाँ पे Realme P1 Pro DS में काफी क्विकली गेम लॉन्च हो चुका है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे स्पीड एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। वैसे दोनों भी फोन में काफी बेटर स्पीड एंड परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो Realme P1 Pro 5G DS में स्पीड एंड परफॉर्मेंस काफी बेटर ऑप्टिमाइज किया गया है।
चलिए दोस्तों, इसके बाद दोनों भी स्मार्टफोन के रैम मैनेजमेंट को टेस्ट आउट करेंगे। तो दोनों भी स्मार्टफोन में LPDDR4X टाइप का रैम सपोर्ट मिल जाता है एंड दोनों भी स्मार्टफोन में एक्सपेंडेबल रैम मतलब कि मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाता है। तो मैंने दोनों भी फोन में यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन को ऑन करके रखा है एंड दोनों भी स्मार्टफोन में मैंने सेम टू सेम एप्लीकेशन यहाँ पे बैकग्राउंड में ओपन करके रखे हैं एंड कुछ एप्लीकेशन में मैंने कुछ सोशल मीडिया के जो पेजेस है वो भी ओपन करके रखे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा फोन यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे पेलोड करता है। तो चलिए सबसे पहले ट्रैक करेंगे गैलरी, सो गैलरी में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद थीम स्टोर में कोई भी दिक्कत नहीं है एंड इसके बाद इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है एंड फेसबुक में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्विटर में भी कोई भी दिक्कत नहीं है एंड डिज्नी के बारे में बात करेंगे तो रियलमी के फ़ोन में डिज्नी प्रीलोड हो चुका है। फ्लिपकार्ट अगेन यहाँ पे रियलमी के फ़ोन में प्रीलोड हो चुका है। अमेजोन में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट हाँ यहाँ पे वीवो के फ़ोन में थोड़ा सा प्रीलोड हो गया था एंड ब्राउज़र में कोई भी दिक्कत नहीं है, यूट्यूब में कोई भी दिक्कत नहीं है, दोस्तों यहाँ पे जो प्ले स्टोर है तो प्ले स्टोर में भी कोई भी दिक्कत नहीं है एंड गेम के बारे में बात करेंगे तो गेमिंग में भी कोई भी यहाँ पे प्री लोडिंग के इशू देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों रैम मैनेजमेंट दोनों भी फोन में यार काफी बेटर देखने को मिल जाती है, कोई भी ज्यादा दिक्कत तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे दोनों भी फोन का स्टार्टिंग वेरिएंट 8GB 128GB का स्टार्टिंग वेरिएंट है। सो आपको कौन सा फोन का सबसे बेटर परफॉर्मेंस लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रियलमी एंड वीवो के फोन में जो स्पीड एंड परफॉर्मेंस है इक्वल देखने को मिल जाता है, ज्यादा कुछ खास बड़ा डिफरेंस तो मुझे देखने को नहीं मिला है। सो फ्रेंड्स, आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन सबसे बेटर लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।